तो फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका कुछ क्वेश्चन है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये वीडियो है प्लेट कैसे रोलिंग किया जाता है। तो उस वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है कि टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, जानकारी दे, वही जरूरी है। चलिए इसको पूरा देखते हैं। तो हमने जो उनको एक वीडियो सेंड किया देखने के लिए बोला मैंने उनको, तो उनको जो है वीडियो से हेल्प नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ठीक है तो इसका मेजरमेंट भेज दीजिए। तो उन्होंने मेजरमेंट बताया, उसके बाद यहाँ पे प्लेट का थिकनेस भी उन्होंने बताया हुआ है, 3.15 mm है उसका थिकनेस। तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर पूछा, तो मैंने उनसे जो है ड्रॉइंग मांगा है फेसबुक पे। तो देखिए, उन्होंने ये ड्रॉइंग भेजा है, ये देखिए। तो देख के आपको भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि ये एक जो है टैंक है कोनिकल टाइप में, जिसका ऊपर का जो डायमीटर है वो 49 इंच है और नीचे का 40 इंच है। ठीक है, और बीच में दिखाया 47 इंच, मतलब ये पूरा पेपर है। और इसका पूरा लेंथ दिखाया है 78 इंच दिखाया है यहाँ तक, और उसके बाद है यहाँ पे 12 इंच। तो इसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको भी कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा कोन है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा कोन का एरिया हो गया। और हमने ये जो नीचे जो लिया है, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है, ये हमने इसका लेआउट किया हुआ है, इसका रेफरेंस पॉइंट देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसका रेफरेंस पॉइंट देखा कि मतलब ये कितना दूर में इसका रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 40 मीटर 332 mm। ठीक है, मतलब कि अगर 40 मीटर का एरिया अगर हमारे पास रहेगा, तब जाके ये पॉसिबल है कि हम इसका लेआउट करके बना सकते हैं, यानी कि लेआउट करके इसे बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे बनाना कैसे, तो इसे बनाने के लिए आपको इसका जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, वो यूज करना पड़ेगा, और उससे जो आपको इसका कटबैक निकालना पड़ेगा, और तब जाके ये बनेगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि वो फॉर्मूला मिलेगा कहाँ से। तो फॉर्मूला मैंने अपने चैनल पे जो है अभी तक अपलोड किया नहीं है, हालांकि वीडियो मैंने उसे बना के रखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको वीडियो देखना है, तो उसको देखने के लिए आपको जो है कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है, क्योंकि वो फ्री नहीं है। और फ्री मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो फॉर्मूला जो है हर एक चीज फ्री नहीं होता है, और जो फ्री होता है उसका कुछ कीमत, उसका मतलब कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हमने उसको जो फ्री नहीं रखा है। और रही बात इसका, देखिए जो कमेंट किया गया था, तो यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये ऊपर का डाया 49 इंच है, मतलब इसको अगर हम एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 1244 mm आता है। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ कि एमएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली आप कैलकुलेटर में मार सकते हो 49 × 25.4। ये 25.4 एक इंच का वैल्यू होता है। ठीक है, एक इंच में 25.4 mm होता है। हमने एक लिस्ट भी दिया हुआ है हमारे ऐप पे, ट्विटर की पूरी जानकारी जो ऐप है उसमें मैंने लिस्ट दिया है कि एक इंच में कितना एमएम होता है, उसी तरीके से एक मीटर में कितना एमएम होता है, एक फीट में कितना एमएम होता है, जो भी मतलब इस तरीके का जो शॉर्टकट है वो मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप चाहे तो एक बार उसको देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ का हमारा कितना है, 1244 mm है। और नीचे का देखिए, 1193 mm है, मतलब 47 इंच। और यहाँ का है 40 इंच, ठीक है, मतलब कि 1000 mm। तो यहाँ पे देखिए हमने किया क्या था कि यहाँ पे 40 इंच है, तो हमने इसे 10 से डिवाइड दिया है, तो ये 4 इंच हो गया है, तो 101 mm यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी किया है, 47 इंच है, तो हमने 10 से भागा दिया, तो 4.7 इंच हो गया, तो 119 mm। हमने इसको सिर्फ कम कर दिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो। यहाँ पे भी हमने वैसे किया, ये हमारा जो रियल का जो उसका मेजरमेंट है वो 78 इंच है, तो एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1981 आएगा, तो उसको हमने यहाँ पे क्या किया, 10 से भागा दिया है 78 को, तो ये हो गया 7.8 इंच, जो कि 198 mm आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है और आपको बताने में जो आसानी हो, तो इसलिए हमने इसको जो है कम कर दिया है। तो फाइनली अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ सकता है, तो वीडियो देखने के बाद आपको जो है ट्राई करना इसे बनाने का। अगर नहीं बनता है तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फॉर्मूला आपको जो है उस वीडियो से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा तो डायरेक्ट आंसर निकाल के आपको बताऊंगा, तो फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो आप जो है कैलकुलेट खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।